भावुक हुए हैं रामचरण। फैंस ने कैसे की हदें पार, कैसे पहुंचे फैंस रामचरण से मिलने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सात सुपरस्टार रामचरण अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर सुर्खियों में बने हैं। हाल ही में इस फिल्म की तीसरी स्केड्यूल की शूटिंग यूक्रेन में शुरू हुई है। इस बीच दोस्तों ट्रिपल आर स्टार रामचरण से मिलने उनके तीन फैंस यूक्रेन जा पहुंचे, जहां उनके सफर के बारे में जानकर सुपरस्टार रामचरण की आंखों से भी आंसू आ गए और दोस्तों उन्होंने खुशी से अपने फैंस को गले लगा लिया। दरअसल दोस्तों रामचरण के तीन फैंस तेलंगाना के जोगुलम्बा गढ़वाल से निकल पैदल चलकर फिल्म स्टार रामचरण के हैदराबाद स्थित घर जुबली हिल्स तक जा पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों जब इन्हें पता चला कि रामचरण वहां नहीं है और वो इस वक्त यूक्रेन में है, तो इन्होंने यूक्रेन जाने के लिए पैसे उधार लिए और कुछ जेवर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और यूक्रेन जाकर रामचरण से मिले। यहां तक का सफर दोस्तों इन तीनों फैंस ने बड़ी मुसीबतों से पूरा किया। इस सफर को पूरे करने में इन फैंस को 4 दिन तक का वक्त लगा। आखिरकार ये फैंस अपने फेवरेट स्टार रामचरण से मिलने की ख्वाहिश को पूरा कर पाए और एक्टर से उनके सेट पर मुलाकात की। रामचरण दोस्तों यहाँ अपने फैंस से मिलकर उनके लंबे सफर के बारे में सुनकर भावुक हो गए, जिसके बाद एक्टर ने अपने फैंस को गले लगा लिया। इसके बाद ही दोस्तों रामचरण ने अपने इन फैंस के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई, जो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें दोस्तों कि फिल्म स्टार रामचरण निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट रामचरण के ऑपोजिट नजर आएंगी। इसके बाद वो अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आचार्य में पिता चिरंजीवी के साथ भी दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्टर जल्द ही रोबोट फिल्म निर्देशक शंकर के साथ भी अपनी साईफाई फिल्म को लेकर चर्चाओं में है। साथ ही दोस्तों बता दें कि सोशल मीडिया पर रामचरण का लुक काफी वायरल हो रहा है, जो ट्रिपल आर के सेट से सामने आया है। बता दो दोस्तों कि एक्टर का ये जबरदस्त लुक बीते दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। अब एक्टर के डाई हार्ट फैंस उनके लुक से काफी इम्प्रेस दिखे। साथ ही दोस्तों ट्रिपल आर में नाचते गाते रामचरण और जूनियर एनटीआर पर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आलिया हैदराबाद गाने के शूट पर गई थी, लेकिन उसका कोई भी क्लू मीडिया में नहीं आया। लेकिन यूक्रेन से रामचरण एनटीआर का एक और सॉन्ग की क्लिप सामने आई है, तो इस पर फैंस का कहना है कि सिर्फ हीरो का फिल्म के गानों में होना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।